टेंस का मतलब होता है काल, समय को दर्शाने के लिए मेरे दोस्तों टेंस काल का जो निर्धारण किया गया है। काल मतलब समय, या समय को अपने बस में करता है, समय को एक प्रकार से बस में करने का मतलब एक समय को डिवाइड कर दिया है, ठीक, कि आप वर्तमान काल में रहेंगे, आप क्या काम करेंगे तो वर्तमान काल के अंतर्गत होगा, आप कौन सा काम करेंगे तो वह भूतकाल में चला जाएगा, और कौन सा आप काम करेंगे कि वह भविष्य काल में रहेगा। अर्थात जो भी आप अपने दैनिक जीवन में काम करते हैं वह आज कर रहे हो या कर चुके हैं या करेंगे, सबको डिवाइड कर दिया गया है। अपने आप से हम नहीं कह सकते हैं कि ये कौन सा है, उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा, उसके लिए प्लान पूरा तैयार किया गया है कि कौन सा आप वाक्य बोलेंगे। जैसे मैं जाता हूं, मैं जाऊंगा, वह चला गया है या वो जाता था, ये सभी वाक्य अलग अलग टेंस के हैं, एक ही टेंस के वाक्य नहीं है। तो जो काल होता है या समय को एक तरह से कहेंगे कि तीन भागों में डिवाइड कर दिया है, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब ये होता है वर्तमान काल, अर्थात जितने भी तत्काल समय में आप काम करते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आप टीवी या मोबाइल पे वीडियो देखते हैं, मोबाइल पे टेंस पढ़ते हैं, तो ये जितने भी काम तत्काल समय में होंगे वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में आएगा। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में है, हूं आता है, जैसे तुम जाते हो, मैं जाता हूं, तुम देखते हो, ये सभी वाक्य आपके प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो प्रेजेंट टेंस पहचानने के लिए सिर्फ ये देखेंगे कि इस प्रकार के वाक्य के अंत में है, हो, हूं आएगा, ये तो प्रेजेंट टेंस इससे पहचान में आता है। अब ये पास्ट की बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए आज कोई काम आप इस समय कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जब एक दिन के बाद मैं इसी बात को दोहराऊंगा तो मैं कहूंगा कि कल मैं इसी समय पढ़ा रहा था, कल मैं इसी समय पढ़ा रहा था। तो जब आज के काम को एक दिन बाद मैं याद करूंगा या किसी से उसके बारे में बताऊंगा तो जिस वाक्य का इस्तेमाल करूंगा वह जो वाक्य होगा पास्ट टेंस का वाक्य होगा। अर्थात एक तो सिंपल सी बात यह है, पास्ट टेंस पहचानने के लिए इस प्रकार के वाक्यों के अंत में था, थे, थी, क्या था, थे, थी आता है, या ई ए, या ई ए, इसको देख लीजिएगा, या ई ए, जैसे वह गया, वह गई, हम लोग आए, तो इस प्रकार के वाक्य भी इस पास्ट टेंस में आएगा, था, थे, थी, तो आएगा। जैसे वो जाता था, वो जाती थी, वे लोग जाते थे, इस टेंस में आएगा, या वे लोग गए, वो गई, मैं गया, तो ये आपके वाक्य में आ जाएगा। तो इसलिए सिर्फ ये पहचान होगा कि यह पास्ट टेंस का वाक्य है। हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर टेंस मतलब जो भी काम हम एक प्लान बनाते हैं कि अच्छे से पढ़ेंगे तो पास होंगे, जो जितना अधिक मेहनत करेगा उतना ही रिजल्ट उसका अच्छा होगा, तो जो हम प्लान बनाते हैं भविष्य के बारे में, ठीक, तो जो भी भविष्य के बारे में हम प्लान बनाते हैं उसके बारे में, उससे संबंधित जो भी हम वाक्य बोलेंगे वो फ्यूचर टेंस में आएगा। जैसे कल मैं पढ़ाऊंगा, कल मैं इसी समय पढ़ाऊंगा, आप लोग कल इसी समय यह वीडियो देखिएगा इस चैनल पे आकर के, आप कल गोरखपुर जाएंगे, कल तुम पढ़ने आओगे, कल तुम पढ़ने नहीं आओगे, ये सभी काम सभी वाक्य क्या आ जाएंगे, फ्यूचर टेंस में। अर्थात इस प्रकार के वाक्य के अंत में, इस प्रकार के टेंस के अंत में जो फ्यूचर टेंस है, इस प्रकार के जितने भी वाक्य होंगे इसमें गा गेगी इस वो आएगा, क्या आएगा, गा गे गी आएगा, गा गे गी आएगा, किसमें आएगा, इस टेंस में। अब चूंकि प्रत्येक टेंस के चार चार उप प्रकार होते हैं, कितने कितने होते हैं, चार चार, चार चार उप प्रकार के होते हैं जो आपके सामने बोर्ड पे, प्रत्येक टेंस के चार चार उप प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार, फ्यूचर के चार चार, तो कुल टोटल मिलाकर के 12 अर्थात 12 उप प्रकार के हो जाएंगे। अब 12 के बारे में हमको जानना पड़ेगा कि प्रत्येक क्या है, प्रत्येक टेंस का जो उसके उप प्रकार के हैं, प्रत्येक का अलग अलग एक क्वालिटी है, किसका है, अलग अलग एक क्वालिटी है। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, उसके तीन लड़के हैं, और तीन जो लड़के हैं इनके चार चार लड़के हैं, तो सभी लड़कों का क्वालिटी कुछ ना कुछ अलग होगा, उनके वाक्य अलग होंगे। तो इसी प्रकार जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो जो टेंस इसके उप प्रकार के हैं, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरा इसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इम्परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, या अफर्मेटिव टेंस भी आता है, इसको अफर्मेटिव नेगेटिव टेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं एक ही रूल बताऊंगा वह सभी में काम करेगा, छह तरह से किसी टेंस को कैसे हम लिख सकते हैं, किसी टेंस को हम छह तरीके से लिख सकते हैं, मैं एक टेंस के माध्यम से, एक वाक्य के माध्यम से, मैं वह मिनटों में आपको बता दूंगा, एक मिनट में छह तरीके से उसको कन्वर्ट कर लेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा इंटरगेटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा अफर्मेटिव है, एक ही वाक्य के माध्यम से। तो उसके लिए बस एक टेंस आपको याद करना पड़ेगा या उसका तरीका सीखना पड़ेगा, 12 टेंस ऑटोमेटिक आप लिख लेंगे, क्या करेंगे, लिख लेंगे, अर्थात 12 टेंस को छह तरीके से आप चेंज कर लेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं ये चार है, इसी तरह पास्ट टेंस, टेंस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको इंपरफेक्ट टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस भी कहेंगे, दूसरा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर की बात करेंगे तो इसमें भी तीन चार है, यहाँ पर पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा इसको भी इंपरफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस कर सकते हैं, दूसरा इसका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
अच्छा, तीन जो टेंस हैं इसके चार चार जो उप प्रकार के हैं, इन सभी टेंस में कुछ बहुत सारी समानता है। क्या समानता है? देखिएगा, जितने भी इसमें जो चार चार उप प्रकार के हैं सबका नामकरण एक ही जैसा है, सिर्फ जो स्टार्टिंग का है, यहाँ पे प्रेजेंट लिखा गया है, यहाँ पे पास्ट लिखा गया है, यहाँ पे फ्यूचर लिखा गया है। बाकी सभी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक, या कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी इंडेफिनिट टेंस, परफेक्ट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अर्थात आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इसके पहले लगा देंगे तो सब कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये दिया नहीं रहता है जो इम्परफेक्ट टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस, हम ऐसे ही लिख देते हैं किसी बुक वगैरह में जो हाई स्कूल या इंटर की बुक है, कहीं नहीं दे दिया है, तो इसलिए लिख दिए कि मतलब सामने आकर कंफ्यूज आप नहीं होंगे। तो हम एक एक टेंस की पहले पहचान पे थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन इसका दे दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं, तब वन बाई वन टेंस का हम डिटेल अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो प्रेजेंट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन या इसकी पहचान होती है, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आता है, ता है, ते है, ती है आता है। जैसे वह जाता है, वह जाती है, हम लोग जाते हैं, वे खाते हैं, वह गोरखपुर से आते हैं, वे आगरा जाते हैं, हम लोग कॉपी पर लिखते हैं, वह अपना लेसन याद करता है, ये सभी वाक्य किसमें आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब इसको हम कई तरह से लिख देते हैं, जैसे वह जाता है, वह नहीं जाता है, क्या वह जाता है, वह क्यों जाता है, वह क्यों नहीं जाता है, इसी एक ही वाक्य को हम छह तरीके से लिख सकते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में है। अब इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तो सब में लिखा जाता है, लेकिन इसमें डू या डस का प्रयोग किया जाता है, क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब में यस या यस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग लगा सकते हैं। अब दूसरा कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, तो चूंकि ये तत्काल समय को दर्शाता है, वो जाता है, वो खाता है, हम लिखते हैं, पढ़ाते हैं, तुम देखते हो, वो पढ़ता है, ये इसमें जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं इत्यादि शब्द आता है। ये दर्शाता है कि कोई भी काम हमारा जारी है, समाप्त नहीं हुआ है, न तो प्रारंभ हुआ, एकदम जारी हो रहा है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, तुम देख रहे हो, वो पढ़ रहा है, वो जा रहा है, वो गा रहा है, वो नाच रहा है, वो डांस कर रहा है, वो घूम रहा है, मतलब इसमें ये मालूम चलता है कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी काम क्या है, जारी है, न तो समाप्त हुआ है, न तो हम प्रारंभ किए हैं, हम प्रारंभ कर दिए हैं, समाप्त भी नहीं हुआ, जारी हो रहा है। मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप याद कर रहे हैं, ये किसमें आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। ठीक, इसको हम बनाने के लिए इज एंड आर का प्रयोग करते हैं। जैसे आई के साथ इज लगाते हैं, और जो प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ आर लगाते हैं, जो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ इज लगाते हैं मेरे दोस्तों। अब हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, तो परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है परफेक्ट मतलब पूर्ण, परफेक्ट मतलब क्या होता है, पूर्ण टेंस मींस का मतलब जो पूर्ण हो चुका हो, तो इसमें यह दर्शाता है कि कोई भी जो हम लोग का काम होता है वह पूर्ण हो गया है, समाप्त हो चुका होता है, लेकिन उस काम को समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ होता है, इसका पहचान ही है। इस प्रकार के टेंस का पहचान, परफेक्ट टेंस का पहचान, मतलब काम पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होता है लेकिन उस काम को समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ होता है। जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, वो गोरखपुर जा चुका है, मैं खा चुका हूँ, आप देख चुके हैं, आप लिख चुके हैं, आप अपना काम कर चुके हैं, आपके पापा मार्केट से आ चुके हैं, आप घर से जा चुके हैं, वह स्कूल से आ चुका है, आप स्कूल जा चुके हैं, मतलब जितने भी वाक्य आएंगे ये किसमें आएंगे? परफेक्ट टेंस में आएंगे। इस काम मतलब जो इस प्रकार के टेंस होते हैं उसमें अभी अभी काम समाप्त हुआ होता है। तो इसको बनाने के लिए हैज एंड हैव का प्रयोग करते हैं। क्या? हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस भी थ्री, अर्थात क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं मेरे दोस्तों। हम अगली बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, वन बाय वन अभी आपको हम सॉल्व करवाएंगे। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब देखिए, दोनों में सिमिलरिटी है, टू और फोर में, ये इसमें भी काम रहा रही आता है, इसमें भी रहा रही आता है, बट दोनों में एक चीज का अंतर होता है, समय का। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें समय नहीं दिया गया होता है, लेकिन यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो आता है इसमें समय दिया गया होता है। समय, जैसे वह 2 घंटे से अपना काम कर रहा है, वह लंबे समय से अपना लेसन याद कर रहा है, आप 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, वह 2 बजे से आ रहा है, वह 2001 से गोरखपुर, वह 2001 में गोरखपुर से, वह 2001 से आ रहा है, आप गोरखपुर से 2 घंटे से आ रहे हैं, आप 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, 2 घंटे से लिख रहे हैं, 2 घंटे से देख रहे हैं, सोमवार से पढ़ रहे हैं, मैं सुबह से ही पढ़ा रहा हूँ, आप सुबह से ही देख रहे हैं, वह 3 बजे से देख रहा है, मतलब इस प्रकार के वाक आएंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे, अर्थात इसमें समय का बोध किया गया होता है। इसको बनाने के लिए हैज है प्लस बी प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के साथ साथ समय को, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय को दर्शाने के लिए सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। तो जो सिंस का यूज किया जाता है निश्चित समय के लिए किया जाता है, और जो फार का प्रयोग किया जाता है मतलब अनिश्चित समय, ऐसा उसके लिए कोई निश्चित नहीं होता। जैसे हम कहें कि मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं जून से पढ़ा रहा हूँ, मैं जुलाई से पढ़ा रहा हूँ, मैं शाम से पढ़ा रहा हूँ, मैं दोपहर से पढ़ा रहा हूँ,
या मैं 3 अप्रैल से पढ़ा रहा हूँ, मतलब इस प्रकार की यदि वाक्यों के बीच में इस प्रकार के समय का बोध किया गया हो तो उसके साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। और यहीं पे जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 सेकंड से पढ़ा रहा हूँ, मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, 10 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 10 सेकंड से पढ़ा रहा हूँ, तो इस प्रकार की वाक्यों में इस प्रकार के शब्द आएंगे तो उसके लिए फाल का प्रयोग किया जाता है। किसका? फाल का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिएगा इसका एक प्रकार हिंदी देख लीजिएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का मतलब होता है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, इंडिफिनिट टेंस मतलब साधारण टेंस, साधारण वर्तमान का, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब निरंतर वर्तमान का, यानी जारी रहता है, और ये प्रेजेंट पूर्ण वर्तमान काल होता है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, परफेक्ट मतलब पूर्ण वर्तमान काल, क्या होता है? पूर्ण निरंतर वर्तमान काल जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। और इसमें कभी कभी ये भी होता है कि समय नहीं दिया गया होता है, जैसे वह लगातार पढ़ रहा है तो इसमें समय नहीं दिया गया है, फिर भी यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो सेम प्रक्रिया सेम टू सेम इसी प्रकार होगा, लेकिन इसके रूल थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे। जैसे इसमें आप क्या प्रयोग कर रहे थे? डू या डज का प्रयोग करेंगे नेगेटिव या निगेटिव बनाने के लिए, और सिंपल में वर्ब में यस या येस का प्रयोग करते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है तो ये कहेंगे वेंट सेकेंड फॉर्म है, तो सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात क्रिया की सब्जेक्ट प्लस क्रिया की दूसरी अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसको नेगेटिव एंड नेगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग करते हैं, जब डिड का यूज करेंगे तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, जाहिर सी बात है। जैसे इस प्रकार के वाक्यों का पहचान क्या होता है? इस प्रकार के वाक्य मतलब वह गया, वह गई, हम लोग गए, मतलब इस प्रकार के वाक्यों के अंत में या ए ई या ता था, ताथी, ताथे, वह गया था, सॉरी वह जाता था, वह जाती थी, वे लोग जाते थे, या वे गए, वह गई, हम लोग आए, इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। यहीं पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो रहा रही रहे आता है, लेकिन इसके साथ थाते थी होगा, हम लोग आ रहे थे, हम लोग पढ़ा रहे थे, हम लोग मतलब जो समय बीत गया है उसको याद करेंगे, तो इसी समय हम कल पढ़ा रहे थे कहेंगे ना, तो इस प्रकार इस तरह दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार वह जा चुका था, वह जा चुके थे, वह खा चुका था, तो इसमें हैड का प्रयोग करते हैं प्लस भी क्रिया की तीसरी अवस्था का। इसमें सेम टू सेम पिछला वाला प्रोसेस है, सब्जेक्ट उसमें हैड है, इसमें हैड भी लगाते हैं, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आई एनजी प्लस सिंस फॉर्म का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों। अब ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, इसमें विल और शैल का प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? विल और शैल का। इसमें जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल भी शैल भी का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव या शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग अब पूरा डिटेल है, चूंकि देखिए आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। अभी कोई खास कंडीशन आ जाएगा तब आई के साथ विल लगाया जा सकता है, तो कंडीशन दूसरा होगा, जब कंडीशन उससे संबंधित आएगा तो आप लोग को बताया जाएगा। तो ये जो है 12th जो टेंस है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, उनके जो 12th जो ऊपर का है उसके बारे में मैं शॉर्ट आपको उसके बारे में बताया। तो अब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में चलेंगे। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पहला इसका हम क्या होते हैं पहचान ही समझ लेते हैं।